आपके साथ संजय यादव। कोरोना संक्रमण के बावजूद मुख्यमंत्री लगातार जुटे हैं मॉनिटरिंग में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे कोविड समीक्षा बैठक। कोविड पॉजिटिव होने के चलते सीएम वीसी से करेंगे बैठक शाम 7:30 बजे। मुख्यमंत्री आवास से होगी बैठक। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर सीएम लेंगे फीडबैक। संसाधनों को बढ़ाने के लिए अप्रूवल में आ रही है दिक्कतें और मैनेजमेंट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पॉजिटिव हो गए, लेकिन लगातार वो मॉनिटरिंग के काम में लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमण होने के बावजूद मुख्यमंत्री लगातार जुटे हैं मॉनिटरिंग में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे कोविड समीक्षा बैठक। कोविड पॉजिटिव होने के चलते सीएम वीसी से करेंगे बैठक शाम 7:30 बजे। ये बैठक है मुख्यमंत्री आवास से ही होगी बैठक। और अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर सीएम समीक्षा बैठक यानी फीडबैक लेंगे। संसाधनों को बढ़ाने के लिए अप्रूवल में आ रही दिक्कतों और मैनेजमेंट को लेकर भी होगी चर्चा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आइसोलेशन पीरियड से ही यानी कहा जाए कि समीक्षा बैठक करेंगे वीसी के जरिए। तमाम बड़े अधिकारी और इसमें मंत्री जुड़ेंगे और जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आशुतोष हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, हमारे सहयोगी। आशुतोष, क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? 7:30 बजे मीटिंग है, लेकिन किन किन बिंदुओं को लेकर इसमें चर्चा होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री भी आइसोलेशन में है, जाहिर सी बात है जैसा खबर आई है कि बहुत सारी ऐसे अप्रूवल को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। अब देखिए, प्रदेश की जिस तरह की स्थिति है कोरोना को लेकर, अब जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। हर स्तर पे समीक्षा प्रतिदिन सीएम की तरफ से की जा रही थी और अभी वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद में आइसोलेशन में है, लेकिन दृढ़ निश्चय इस तरीके का है कि वो कोविड पॉजिटिव होते हुए भी राजस्थान का ख्याल रख रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज शाम 7:30 बजे अपनी पूरी की पूरी जो एक टीम है, जो टास्क एक तरीके से लिया है उन्होंने कि राजस्थान को किसी भी तरीके से कोरोना से बचा के रखना है, उसको लेकर आज शाम को मीटिंग रखी गई है। इसमें मुख्य सचिव हैं वो रहने वाले हैं, तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो रहने वाला हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी की वो चेहरे जो इस समय कोरोना को लेकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो सभी इस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मुख्य बिंदु की जहाँ तक बात करें तो राजस्थान में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है प्राणवायु। तो इसी प्राणवायु ऑक्सीजन को लेके चर्चा की जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इसकी प्रॉपर सप्लाई हो सके, सबसे पहला मुद्दा ये रहने वाला है। दूसरा प्रमुख मुद्दा है कि रेमडेसिविर को लेके एक तरीके का माहौल जो बन रहा है कि एक कमेटी बना दी गई है साहब, लेकिन कहने को कमेटी बनाई गई है लेकिन अभी भी